आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। अजयगढ़ में सागर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,00,000 की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार उमेश तिवारी को अजयगढ़ सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया है, जिसकी कार्रवाई खबर लिखे जाने तक चल रही थी। आपको बता दें कि एक युवक ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि नायब तहसीलदार उमेश तिवारी के द्वारा जमीन के हस्तांतरण के लिए उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर लोकायुक्त के द्वारा पूरी योजना के तहत युवक को रंगे हाथों 1,00,000 रुपए के नोट देकर भेजा गया, जिसके बाद युवक ने नायब तहसीलदार उमेश तिवारी को रुपए दिए और इसके बाद ही लोकायुक्त की टीम ने उन्हें धर दबोचा। हमारा बड़ी फील्ड है माधवगंज सर्विस स्टेशन के पीछे 45/70 का प्लाट है, जो कि काफ़ी दिनों से निर्माण काल उसमें चल रहा था, जिसको लेकर के उमेश तिवारी तहसीलदार द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा था। जो कि मेरे पास नामांतरण और सारे कागजात नंबर 1 का प्लाट है, उसके बावजूद भी उनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। फिर क्या किया आपने? उसके बाद उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा श्रीमान जी गरीब आदमी है, किसान है और पैसा नहीं है, और आप उस बोले नहीं मैं उसमें स्टे देता हूँ। और अभी मैं परसों के दिन गया तो उन्होंने मेरी गाली गलौज भी की और उन्होंने पैसे की मांग की, 1,00,000 रुपए मुझसे मांगा। मैंने कहा श्रीमान जी कुछ पैसे कम करके बात करें तो मैं 50,000 की व्यवस्था करता हूँ। फिर मैंने आनन फानन जैसे कैसे करके 1,00,000 रुपए की व्यवस्था की, लेकिन मैं यदि 1,00,000 रुपए इनको देता तो मेरे घर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती, जिसके कारण मैंने लोकायुक्त सागर संपर्क किया और मैं सागर गया और मैंने वहाँ पे अधिकारियों को बताया कि श्रीमान जी ऐसी ऐसी बात है, जो कि पूरी अजयगढ़ की जनता परेशान है उनसे। और मैंने कहा श्रीमान जी यदि मैं 1,00,000 रुपए देता हूँ तो 1,00,000 मेरा मकान क्या बनेगा, मेरी घर की स्थिति बहुत गड़बड़ है, किसान आदमी है। वहाँ बैठ पैसा रखा हो, बैठा रहा हूँ, इतने में ये लोग आ गए और वो सीधा बोले हाथ दो, तो हाथ धोने में कुछ नहीं निकला मेरा, जबरदस्ती इस तरीके से। क्या कहेंगे सर, आपको फंसाया जा रहा है? फंसाया जाए कुछ मेरे है ही नहीं, मेरे पास ना पैसा लिया, आप पैसा दे के आओ, बैठ रख दो, इनको ले आओ साथ में। 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दिनांक 18 को आवेदक अंकित मिश्रा द्वारा शिकायत की गई थी और जिस पर हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज टेप की कार्रवाई की। अजयगढ़ से मोहम्मद आजाद की रिपोर्ट।